पाकिस्तान रेलवेज़ ने बड़ी खुशखबरी दी थी ML2 के अपने चाहने वालों को, रेल फैंस को, और मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, तो सबका सलाम रोज़ा रसूल पर आपने ज़रूर पेश करना है। बुलान मेल और उसके बाद खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो चलने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर भिरतू लाहौर रेलवे जंक्शन से एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर, और आप देख रहे हैं मिस्टर भिरतू। तो दोस्तों, आज एक बार फिर मज़ीद बात होगी ML2 सेक्शन पर, और कोशिश करूँगा कि मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि कितनी ट्रेन्स ML2 पर चलने जा रही हैं। तो दोस्तों, रोज़ाना मिस्टर फिरतू आपके 24 घंटों में 8 से 10 मिनट लेता है और आपको देता है नई से नई अपडेट। तो काइंडली प्लीज़ कि मेरी जो वीडियो होती है वो आखिर तक ज़रूर देखा करें। 24 घंटों में 8 से 10 मिनट मैंने आपके लेने होते हैं, और मुकम्मल मेरी कोशिश होती है कि तमाम टॉपिक्स पर, तमाम अपडेट्स रेलवे से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। मिलो मेरे फैंस के साथ हमारा जो प्यारा सेगमेंट है, उसमें आज सज्जाद हुसैन सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं। और सज्जाद हुसैन, इस सेगमेंट में आपको मैं करता हूं वेलकम, और इसके साथ रोज़ा रसूल पर जब आपकी हाज़िरी होगी तो आपने इस गुनाहगार गुलाम का सलाम ज़रूर पेश करना है, और मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, तो सबका सलाम रोज़ा रसूल पर आपने ज़रूर पेश करना है। तो मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है, आपने मदीना मुनव्वरा से, मेरे ख्याल से, और सऊदी अरब आप आई थिंक जॉब करते हैं, तो आप इस सेगमेंट का हिस्सा बने। आज की इस वीडियो में मेरा जो ये सेगमेंट था वो बहुत ही स्पेशल हो गया। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और एक प्यारी सी पिक्चर कैप्चर करें और भेज दें मुझे इंस्टाग्राम पर, और बन जाए मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ। तो जल्द अज जल्द पिक्चर भेजें ताकि मैं आपको जल्द अज जल्द इस सेगमेंट का हिस्सा बनाऊं। व्यूअर्स, फरीद एक्सप्रेस मौजूद है, शालीमार एक्सप्रेस जब मैं आया था तो डिपार्चर कर रही थी, तो होपफुली इसका डिपार्चर अब से कुछ ही देर में होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अब हमारा क्वेश्चन आंसर्स का जो सेगमेंट है वो हो जाए। क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, और लास्ट मैंने क्वेश्चन ये किया था कि ये जो बॉक्स लगे होते हैं, ये सामने भी बॉक्स है रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द, तो इसे क्या कहा जाता है और ये क्यों लगे होते हैं। तो अहमद विलॉग्स अहमद भाई ने एक पूरा एक चार्ट, जिसे कहते हैं ना, इन बॉक्स से रिलेटेड पूरी डिटेल्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ देर से इनका आंसर ज़रूर आया, लेकिन इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया इस डिटेल्स के साथ, जो कि राइट डिटेल थी, राइट इनका आंसर था। तो अहमद भाई हमारे तीसरे विनर हैं, और जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री जीतने में माशाल्लाह कामयाब हो चुके हैं अहमद भाई। अहमद विलॉग्स, इनका जो ताल्लुक है वो बहावलपुर से है, और आपने मुझे अपना एड्रेस भेज देना, तो आपकी जो अमानत है अब वो मेरी नहीं रही, आपकी हो गई है जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री, तो वो आप अपनी कलेक्ट कर सकते हैं, डिलीवर मैं आपको कर दूंगा। और आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आप 1 जून को मुल्तान आ सकते हैं, तो उस व्लॉग में अगर मैं आपको जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री गिफ्ट कर दूं, तो वो आपने डिसाइड करनी है ये चीज़, और मुझे इंस्टा पर बताना है। तो न्यू क्वेश्चन भी आज का आपके आगे रखता हूँ। जाहिर बात है ML2 की बात है, तो ML2 पर चलने वाली मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस, ये आपने बताना है कि ये कब से बंद है, मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस कब से बंद की गई है, कब से ये नहीं चली, तो आज का न्यू क्वेश्चन ये है। और फरीद एक्सप्रेस मौजूद है, इसका डिपार्चर हो जाए,
और उसके साथ साथ ML2 की जो अपडेट है वो भी जारी रहेगी। जी तो व्यूवर्स, जैसे कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने ML2 जो सेक्शन है उसके बारे में आपसे 2 से 3 रोज़ पहले खुशखबरी सुनाई, और मेरी फर्स्ट वीडियो भी मौजूद है, उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फरीद एक्सप्रेस का डिपार्चर हो जाए और फिर उसके बाद मैं आपसे ML2 के बारे में बात करता हूँ। एक खूबसूरत मौसम में खूबसूरत लोकोमोटिव और खूबसूरत अंदाज के साथ GU20-4557 की क़ियादत में फरीद एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है लाहौर से, और बहुत ही ज़्यादा रफ्तार रफ्तार सनम तुमसे मिली नज़र तो हुआ है असर ख्वाब सा ये जहां फर्श दुआ दुआ जन्नतों का शहर हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में। तकरीबन रोज़ाना ही फरीद एक्सप्रेस इसी तरह एक स्लो अंदाज में डिपार्चर करती है लाहौर से। मैं चाहता था कि डिपार्चर से पहले ही आपको अपडेट कर दूं ML2 से रिलेटेड जो अपडेट है, लेकिन फरीद एक्सप्रेस ने कहा कि नहीं, सबसे पहले आप मुझे कवर करें और उसके बाद अपडेट दें। कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में शालीमार एक्सप्रेस को भी कवर करूं। शालीमार एक्सप्रेस भी राइट टाइम आज डिपार्चर हुआ उसका, और फरीद एक्सप्रेस का भी। दूर से झंडी लहरा रहे हैं गार्ड साहब, डाइनिंग कार, एसी स्टैंडर्ड, फिर से एसी स्टैंडर्ड, 2 एसी स्टैंडर्ड और 1 बिजनेस क्लास, 1 पावर वैन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फरीद एक्सप्रेस से जा चुकी है और अब फाइनली बात करते हैं ML2 पर। तो दोस्तों, 2 से 3 रोज़ पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने बड़ी खुशखबरी दी थी ML2 के अपने चाहने वालों को, रेल फैंस को, पैसेंजर्स को, कि 3 ट्रेनें मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस और बुलान मेल, ये हम 3 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं ML2 पर। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अब पाकिस्तान रेलवेज़ के दीगर ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि तमाम ट्रेन्स ML2 पर अपने अपने रूट्स पर बहाल होंगी, कराची से लेकर पिशावर तक। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ साथ ML2 ट्रैक पर भी काम होगा। मेरे ख़्याल से काम शुरू हो जाएगा, अब ट्रैक की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी, और जहाँ से
ट्रैक कमज़ोर है वहाँ पर न्यू स्लीपर्स डाले जाएंगे, और इसी तरह जो कि ML2 सेक्शन के जो रेलवे स्टेशन काफ़ी अरसे से वीरान पड़े हैं और दीगर जो छोटे मोटे स्टेशन के काम हैं सफाई सुथराई और उन पर भी जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, और ML2 से जो पैसेंजर्स और जो रेल फैंस मुझे वॉच कर रहे हैं तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने कुछ होता देखा है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ के मुताबिक अब से कुछ ही दिनों में हंगामी बुनियादों पर ये जो काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और आया कि अब कब तक ML2 पर ट्रेन्स चलने लग जाएंगी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल 1 से 1.5 महीना दरकार है, ये मैं आपको बता दूं। ज़ाहिर बात है ट्रैक की चेकिंग होनी है और ट्रैक को मजबूत किया जाना है, और हो सकता है कि मुकम्मल ट्रैक मजबूत किया जाए, मुकम्मल जो स्लीपर्स हैं वो हंगामी बुनियादों पर चेंज किए जाएं, लेकिन ट्रेन्स भी चलती रहेंगी और जो ट्रैक पर काम है वो भी चलता रहेगा। तो फ़िलहाल 1 से 1.5 महीना लग सकता है, और सबसे पहले मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस चलने का इम्कान है, उसके बाद बुलान मेल, और उसके बाद खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो चलने का इम्कान है तो वो मौजूद है, और दीगर जो ट्रेन्स थी छोटे रूट्स पर चलने वाली तो वो भी ट्रेन्स बहाल की जाएंगी, लेकिन इन ट्रेन्स पर जो पैसेंजर्स का रुझान है वो बढ़ेगा, उस रुझान को देखते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ ये फैसला करेगा। तो दोस्तों ठीक है, आपकी आवाज़ थी, 7 वाली साइड पर रेल फैंस का पैसेंजर्स का एहतजाज भी था कि ML2 पर ट्रेन्स बहाल करो। अब पाकिस्तान रेलवे तो अमल दरामद करने जा रहा है, अब पाकिस्तान रेलवे ट्रेन तो चला देता है लेकिन आपकी बड़ी तादाद उस पर मौजूद नहीं होगी ट्रेन्स पर, तो क्या बनेगा। अब जैसे कि शालीमार एक्सप्रेस चल रही है लेकिन फुल नहीं होती शालीमार एक्सप्रेस, कैपेसिटी इसकी कम ही होती है। अगर मैं कहूँ कि लाहौर से कराची तक 60% जो पैसेंजर्स हैं वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम पर है, हम पैसेंजर्स पर है, हम रेल फैंस पर है कि अगर हमारे लिए कोई ट्रेन चलाई जाती है तो हमने किस तरह ट्रैवल करके उस ट्रेन को कामयाब करना है। तो जिस तरह से सेक्शन ML2 से आवाज़ें आ रही हैं कि पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा खफा होते हैं जब ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करता है, तो इम्कानात यही हैं कि बड़ी तादाद में ML2 पर पैसेंजर्स ज़ाहिर बात है तरसे होंगे लोग ट्रेन को देखने के लिए, ट्रेन पर सफ़र करने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए, तो आई होप कि बड़ी तादाद में पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। ये किसी ट्रेन का रैक भी जा रहा है, वॉशिंग एरिया में लेकर जाया जा रहा है इस रैक को, और मौसम बहुत अच्छा है। तो व्यूवर्स आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट होगी 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा, हो सकता है ट्रेन भी एक आधी ML2 पर चल जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि ये जो पैगाम है तमाम ML2 के जो पैसेंजर्स हैं उन तक पहुंचे, और जो परेशान है उनकी ज़रा परेशानी में थोड़ी सी कमी हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिस्टर बिरतू हो जाएगा हाजिर। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर बिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर बिरतू आपसे चाहता है इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।